मारने जा रहे थे, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाइए, ये बनाओ वीडियो, ये वीडियो देखिए, ये आदमी है और ये आदमी दोनों मिलकर मेरे पापा को मार रहे हैं। देखिए ये सब साहब, ये आदमी, ये चश्मा वाले आदमी और ये सीओ साहब, सीओ, हाँ सीओ साहब है बंडरवाल जी, ये हमको मारना चाह रहे हैं, मारे हैं गाल पे, मारे हैं अभी, मारे गाल पे। नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। भूख हड़ताल पे बैठा दशरथ पासवान ने अपने सीओ रामरतन बर्नवाल, जो चंदवारा के सीओ हैं, उन पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने उस पर उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है दशरथ पासवान को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है और भद्दी भद्दी गालियां भी दी है ऐसे। लेकिन इस बारे में जब सीओ रामरतन बर्नवाल से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल में बैठा हुआ था, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था, मैं उससे वहाँ से उठने के लिए बोला, और बाकी जो भी आरोप वो लगा रहा है कि मैंने उसको जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या थप्पड़ मारा है, ये सारा आरोप जो है बेबुनियाद है। हमारे पास CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, अगर प्रशासन चाहेगा, कोई अगर चाहता है तो उसको देख भी सकता है। इस संबंध में एक दो वीडियो हमारे पास आया था जो दशरथ पासवान के बेटे ने शूट किया था, वो भेजा है, लेकिन उसमें कहीं भी थप्पड़ मारते हुए या सीओ रामरतन बर्नवाल के द्वारा गाली देते हुए नहीं देखा गया। उसमें साफ दिख रहा है कि वो उसको उठने के लिए बोल रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि आचार संहिता का पालन किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू है, ऐसे में धरना प्रदर्शन या इस तरह का कोई भी आयोजन करना सख्त मना है। आपको को मैं सुनवाता हूँ कि दशरथ पासवान ने क्या कहा, साथ ही दशरथ पासवान के आरोप पर सीओ रामरतन बर्नवाल ने क्या जवाब दिया। दशरथ पासवान का एक आरोप यह भी था कि 14वें वित्त आयोग में उन्होंने एक नाली का निर्माण किया था जिसका 60,000 रुपया अभी भी उसका बकाया है। इसकी अब मांग करने पर पंचायत सेवक प्रफुल्ल सिंह पर उसने आरोप लगाया कि वो 10,000 रुपया रिश्वत मांग रहा है, जब इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी या BDO संजय यादव से हमने बात किया तो वो उन्होंने कहा कि इसमें जांच किया जाएगा, अगर पंचायत सेवक इसमें दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। मुझे बार बार तगादा कर रहा है और मेरे पास पैसा ना रहने के कारण मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, नहीं मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं चंदवारा मुख्यालय में एक साल से दौड़ रहा हूं पैसे के लिए। मैंने BDO साहब से भी कितने बार बात किया, मैंने जिला प्रशासन से भी बात की है, मैंने DDC साहब के पास भी मैंने इसकी शिकायत किया है, मुझे सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है, आज तक पैसा नहीं मिला है। तब मैंने अंतिम यही मैंने सोचा कि मुझे अब भूख हड़ताल पर बैठना ही पड़ेगा। मैंने एक सप्ताह पहले भूख हड़ताल के आवेदन BDO साहब को दिया। जब मैं आज 12/4/2022 का मेरा भूख हड़ताल का डेट था और आज मैं बैनर लगा के चंदवारा मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने ही जा रहा था, अपना बैनर लगा ही रहा था कि CEO साहब, चंदवारा के CEO साहब, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बर्नवाल साहब हैं, वो उधर से निकले और मुझे हरिजन, दलित और दुसाद गाली देकर मुझे ये कह रहे हैं CEO साहब कि साला दुसाद, तुम्हारी औकात नहीं है आंदोलन करने का, तुम्हारा औकात नाली साफ करने का है, झाड़ू लगाने का है, ये शब्द कहकर मुझे गाल पे थप्पड़ मारे, जिसका ऑडियो और वीडियो मेरे पास है, मैं प्रमाणित करूंगा और CCTV कैमरा खंगाल के देखिए कि ये हमको अपमानित किए हैं कि नहीं और मुझे मारे हैं कि नहीं, उनके साथ उनका गार्ड भी मुझे अपमानित किया। दलित का खून और बर्नवाल का खून में अगर कोई अंतर है तो CEO साहब मुझे दिखा दें, अगर मैं दलित हूं तो मेरा इसमें क्या दोष है जो मुझे ऐसे शब्दों से दुसाद, हरिजन। आपने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि किसी ने आपसे 10,000 कमीशन मांगा, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कमीशन प्रफुल्ल साहब मुझे बोले। कौन प्रफुल्ल, क्या नाम है पूरा? प्रफुल्ल सिंह। क्या करते हैं वो? पंचायत सेवक हैं। क्या कहना उनका? वो हमको बोले कि आप मुझे 10,000 रुपया कमीशन दीजिए, मैं आपका पैसा तुरंत निकाल दूंगा, मेरे पास कमीशन
देने लायक पैसा है ही नहीं। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, 10,000 अगर मेरे पास रहता तो मैं आंदोलन पे नहीं बैठता। सीओ साहब के बारे में क्या कहना चाहता हूँ? सीओ साहब के पास बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो उन्होंने मुझे दलित, अपमानित और हरिजन और नाली साफ करने की जो बात बोले हैं, वो मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। मुझे जो मेरा बकाया बिल है वो परिसर में एक व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठा हुआ, उसे कहना कि 14वां वित्त आयोग का कुछ पैसा बाकी था जिसके डिमांड करने पर उससे पंचायत सेवक ने रिश्वत मांगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका हम पहले जांच करवाएंगे, यदि दोषी पाया जाता है पंचायत से चुकी रिश्वत मांगा है तो फिर कार्रवाई किया, अनुशंसा किया जाएगा यहाँ से। तो आई भूख हड़ताल में जो बैठा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, हम लोग थाना को भी इन्फॉर्म किए हैं कि अभी नहीं बैठना है ब्लॉक परिसर वगैरह में, तो थाना को इन्फॉर्म किया, थाना अपना कार्रवाई करेगी। मामला है आपके यहाँ धरना प्रदर्शन का, उसने आप पे आरोप लगाया कि आपने उसको जाति सूचक शब्द से संबोधित किया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम 10:30 बजे कार्यालय में अपने काम कर रहे थे, इसी समय मेरे एक स्टाफ आया, बताया कि किसी ने भूख हड़ताल का बैनर लगा के भूख हड़ताल करने जा रहा है। तो देखते हैं, फिर बाहर जाके देखा तो उसी में बैनर लगा हुआ था और दो लोग वहाँ पर बैठ रहे थे। उनको मना किया, एक तो अभी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, इतना बोलना था कि वो हमारे पास दौड़ेगा नहीं, हम तो आप लोग, हमने उसको रोकने के लिए पहले कहा कि आप इसको ले जाइए, आपकी जो भी मांग है वीडियो साहब को बोलिए, उसका कुछ भुगतान का इश्यू है। तो इतना कहने पर वो मेरे पास सामने आ गया और बोले कि मैं आत्मदाह करूँगा, आप हटाओगे तो पहले हटाना तो होगा क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो भड़क गए और बहुत तरह की बातें करने लगे। तो मेरा कुछ स्टाफ लोग आए, हमने थाना को भी फ़ोन किया कि ये ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं, इसको लेकर के 1-2 घंटा हमने कार पर उनका बाधा भी उत्पन्न किया, उसमें लगे रहे हम कई दिन देर तक। सर, उनका कहना है कि आपने उस पर थप्पड़ भी चलाया था, क्या कहना चाहेंगे? थप्पड़ मेरे यहाँ CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, हमारे प्रखंड संचल कार्यालय के दर्जनों स्टाफ यहाँ पे उपस्थित थे, खुद वीडियो साहब भी उपस्थित थे। तो यदि ऐसा कुछ होता तो आप CCTV देख लेते और लोगों से, मैं खुद बोलूँगा तो शायद लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे पर आरोप लगा रहा है गलत, ये जाँच का विषय है। मैं किसी के थप्पड़ क्यों मारूँ, बस उनको मैंने बताया कि आचार संहिता लगा, आप जिस सर जिस योजना का पैसा लगा उसका फंसा हुआ है और उस योजना के कारण ही वो यहाँ भूख हड़ताल में बैठा होता है, उसका कहना है कि पंचायत सेवक ने उससे 10,000 रुपये का घूस मांगा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस बारे में तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा चूँकि जी अंचलाधिकारी के रूप में हो और आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, भूख हड़ताल यदि करना ही था तो इनको पूर्व में परमिशन भी लेना चाहिए था, वो परमिशन भी इनके पास नहीं है। बात जबरन ये करना चाह रहे थे, इनके कोई समस्या तो पहले हमको बताना चाहिए, जिला को बताना चाहिए, प्रखंड को अपनी बात रखना चाहिए था इनको, लेकिन अब पता नहीं इसके बारे में क्यों भुगतान नहीं हुआ, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ही बता पाएंगे। एक एक कर आपको 13 लोगों का बयान सुनवाया, सबसे पहले हमने आपको सुनवाया दशरथ पासवान का बयान, उसके बाद CEO रामरतन बर्नवाल, और आरोप के बारे में क्या कहा BDO संजय यादव ने, हमने ये भी आपको सुनवाया। लाइव लगातार के लिए संध्या आचल के साथ मैरून बर्नवाल कोडरमा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहे लगातार.in के साथ।